गुड मॉर्निंग। ज़रा देखो मेरे सुबह सुबह उठने के बाद बाल कैसे होते हैं। ये सारे उलझे पड़े हैं एंड अब मैं कंघी वगैरह करके इन्हें सीधा करूँगा ना तो कम से कम 20 बाल टूट जाएंगे मेरे। पर सीधा तो करना पड़ेगा। तो जो टाइटल में लिखा है वो बात सच है, मैं जा रहा हूँ अपने बाल कटवाने, फुल क्लीन शेव करवाने। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये करने की ज़रूरत क्या है, इतनी मुश्किल से बाल बढ़ाए हैं और अगर कटवाने ही हैं तो छोटे करवा ले, क्लीन शेव की क्या ज़रूरत है। सबसे पहली बात, मेरा मूड कर रहा है क्लीन शेव करवाने का, तो बस मेरे को लाइफ में एक बार बाल लंबे करके देखने थे, पोनी टेल बना के देखना था, लंबे बालों का एक्सपीरियंस चाहिए था, कैसा लगता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कितना अच्छा फील होता है, फोटोज़ कैसी आती हैं, सारे एक्सपीरियंस ले लिए मैंने। मैं इस लेंथ से और ज़्यादा लंबे बाल नहीं बढ़ाना चाहता। मैं क्लीन शेव इसलिए करा रहा हूँ ताकि मैं ये व्लॉग बना सकूँ, एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी बना सकूँ कि मैंने ऐसे टाइम पास वाले काम किए हैं पहले, और बालों का क्या है वो तो 2 महीने बाद फिर आ जाएंगे। एंड एक रीज़न और है क्लीन शेविंग का कि जितना भी मेरा डैंड्रफ वगैरह है ना, मेरे को ना वो वाली फील लेनी है जब ब्लेड मेरे सर के ऊपर से ऐसे गुजरेगा सारे बालों को हटाते हुए और उसके बाद जितना भी डैंड्रफ जमा हुआ है वो सारा हट जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? मेरे अंदर अभी वो अर्ज उठ रही है कि मैं उस ब्लेड को अपने सर के ऊपर ऐसे फिरता महसूस करूं, वो सेटिस्फेक्शन लूं। आए हाय, आज की अर्ज फिर भी कुछ नहीं है क्योंकि अब ये बाल ना काफी स्टाइलिश से हो गए हैं, लाइक मैं स्टाइल कर सकता हूं और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्टेबल हो गया हूं मैं। कुछ महीनों पहले जो मिडिल फेज आता है ना, जब मैं लास्ट टाइम क्लीन शेव हुआ था तो मेरे को अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर थोड़े ही दिनों बाद थोड़े छोटे बाल आ गए थे, फिर बुरा लग रहा था, फिर नॉर्मल हो गए थे बाल, अच्छा लग रहा था, फिर उससे थोड़े बड़े हुए तो बहुत वो कर्ली बाल हो जाते हैं, मेरे स्टाइल भी नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, बुरा लग रहा था, फिर थोड़े बाल लंबे हुए अब ऐसे हो गए तो अच्छा लग रहा है। समझ रहे हो? ये फेजेस आते हैं। लंबे बाल करने के लिए भी तुम्हें ऐसे फेजेस से गुजरना पड़ता है। जब मेरे 2-3 महीने पहले तो इतना गंदी अर्ज उठ रही थी मेरी कटवाने की, बस रोज उठ के यही सोचता था यार कटवा लूं क्या। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि अगर इतनी अर्ज उठ रही थी तो 2-3 महीने पहले कटवा क्यों नहीं लिए। इसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बाय द वे, इस बार दिसंबर में एक्चुअल में ठंड पड़ रही है, लाइक जो अभी टंकी का पानी है ना इतना ठंडा है भाई, हाथ भी नहीं धोने का मन करता बिल्कुल भी सच में, और नहाने का मन तो करता ही नहीं है, एक दिन छोड़ के एक दिन नहा रहा हूँ मैं। अब मेरे बाल मेरे पूरे कान को ढक लेते हैं आराम से, और ये वाले तो कर्ली हो ही गए हैं, वो मैंने केराटीन कराई थी, वो कर्व होने लगे दोबारा, सारे पीछे से तो कर्व हो ही जाते हैं, केयरिंग की बात है ना वो मेरे से होती नहीं। बट फिर भी एक चीज़ तो है, अभी बाल बढ़ाते बढ़ाते मैंने जितनी केयरिंग करी है ना, जिंदगी में आज तक अपने बालों की इतनी केयरिंग नहीं करी, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओके, मेरे घर का जो ये वाला हिस्सा था कल तक बहुत बुरा था, कल मैंने सफाई करी है तो अब ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। पहले तो यहाँ पे रैकेट रखे हुए थे और ये जितनी भी ये सारी चीज़ें रखी हुई थी ये सब यहीं ऐसे ही घुचड़ मुचड़ हो रखा था, अब थोड़ा तहजीब तरीके से रखा हुआ सामान लग रहा है। अभी मैंने बाल्टी के सपोर्ट पे यहाँ पे कैमरा रखा हुआ था अपने आप को रिकॉर्ड करने के लिए, देख रहे हो जुगाड़। अभी पिछले 2 दिनों से मैंने 5-6 फोटो डाली है इंस्टाग्राम पे अपने लंबे बालों के साथ, ताकि एज अ मेमोरी में सेव रख सकूं, क्योंकि पता नहीं मेरा अब कोई प्लान नहीं है एक और बार लंबे बाल बढ़ाने का, ये 1 टाइम था बस। और मैं क्लीन शेव इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैंने रीजंस बताई दिए, पर ये रीजन भी है कि एक न्यू ग्रोथ मिलेगी मेरे बालों को, क्योंकि वो कराया था ना हीटिंग वगैरह तो उससे बाल कमजोर हो जाते हैं, ये मुझे पता है। कई लोग परेशान होने वाले हैं, यार ये क्या कर रहा है यार, शुभम मत कर यार, कई लोग उधर परेशान हो रहे होंगे मुझे पता है। यार लंबे बाल कितने सही लगते हैं, देखो ये झालर सा जो है ना, ये झालर बिल्कुल अच्छा लगता है, क्यों भाई? और ये जो छत जैसा निकला हुआ है ऊपर, मेरा चेहरा ही ऐसा है, बड़े बाल ही अच्छे लगते हैं। और गंजा बीस्ट किसी को देखना पसंद नहीं, बीस्ट के ऊपर बाल तो नहीं चाहिए। इन्हीं बालों को बचाने के लिए मैं क्लीन शेव हो रहा हूँ, ठीक है? मैं ज़्यादा लंबे बाल नहीं रख सकता क्योंकि एक चीज़ तो है, बहुत बाल टूटे हैं मेरे इस पूरी प्रोसेस में। मैं मालिश कराता था, मैं शैम्पू करता था, मैं कंघी करता था, मैं धीरे धीरे मसाज भी करता था ना, तब भी मेरे बाल टूटते थे। मैं ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ का पानी मेरी स्किन और मेरे बालों को सूट नहीं करता बिल्कुल भी, मेरे को पक्का पता है, यही चीज़ है। देखना इन फ्यूचर कहीं और शिफ्ट होऊंगा ना जहाँ पे पानी थोड़ा ढंग का होगा, मेरे स्किन और बालों पे बहुत फर्क पड़ेगा। जितनी बातें मुझे शेयर करनी थी मैंने कर दी, अब मैं चला। कहाँ पर है भाई वो गुचड़ू? मिल गया टोपा? मिल गया। कटिंग कराने हमारे साथ ये गुचड़ू भी जा रहा है, इसको ऐसे कटिंग करानी है, यहाँ से कटवाना है, यहाँ से कटवाना है, बीच के बाल बड़े रखेगा, हीरो हीरो लगेगा।
डैंड्रफ ही है क्या है पता नहीं, कचरा भर रहा है सर में। ऐसा तो अभी और झड़ जाएगा, कितना ही झाड़ दो। ये देखो जरा आटे की तरह झड़ रहा है। देखो भाई क्रीम लगा रहे हैं कोई, जिससे ये खत्म हो जाएगा पता नहीं क्या चीज़। बीच में से बड़े रखना भैया, बता दिया तू कुछ जैसे जैसे करवाना हो ठीक है। अबे बाल तो ठीक कर रहे, कैसे हो गए ये इसके, इसके माथे पे इतने सारे बाल हैं। ओ ये देख हो गया भाई गंजा भाई, देखो कितना अजीब लग रहा होगा। शाबाश, ओ इसमें पता ही नहीं चल रहा था मैंने टोपा पहन रखा था ना, तभी बाद में जब मैंने दिखाया उन्हें तब शॉक हुए वो। मेरी ऊपर की स्किन ना बड़ी आडी टेढ़ी है, ऐसा लग रहा है खड्डे वड्डे वो स्पीड ब्रेकर्स है बहुत सारे। ओ कितना कितना हैंडसम लग रहा हूँ मैं, डैम। तो हिटमैन बनने की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी कर ली मैंने, अब बस मेरे को गन वगैरह चाहिए एक। ओह इतना अच्छा लग रहा है, फ्रीडम, सही बताऊं फ्रीडम फ्रीडम मिली है एकदम से, ऐसा लग रहा है। हेड को क्लीन शेव कराने का जो प्रोसेस है ना उसके अंदर इतनी सारी सेटिस्फेक्शन है ना, लाइक बीच बीच में कई पॉइंट जैसे वो टॉवल से जब रब कर रहा था या फिर जब वो ब्लेड फेर रहा था डबल ट्रिपल बार गंजा होने के बाद, भाई क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है। हो सही बताऊं अभी तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन 10-15 दिन बाद जब छोटे छोटे बाल आ जाएंगे ना बहुत अनोइंग लगेंगे, और उसके बाद मैं सिर्फ विश करूंगा कि जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे प्लीज, मेरे को और नहीं चाहिए। बट ए ये है मेरा नया लुक, आई एम हैप्पी, मेरे को कराना था मैंने करा लिया। अब मैं जिम विम जा रहा हूँ बेटा, बहुत बॉडी बॉडी सही लगेगी मेरी, गंजा होने के बाद ना बहुत मतलब हल्का फुल्का इंसान भी थोड़ा बॉडी बिल्डर सा लगता है। बस सीना चौड़ा करके ऐसे चलना पड़ेगा या। अब मैं ये हरकतें बंद करता हूँ क्योंकि अब फिर से टाइम आ गया है टोपा पहनने का, या और मफलर्स भी साथ साथ दोबारा निकालूंगा, ठंड का टाइम इसीलिए बेस्ट है, मफलर वगैरह पहन के मैं पर्सनैलिटी थोड़ी सी बढ़िया कर सकता हूँ। तो यही था आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों के माइंड में ये वीडियो देख के कौन से सबसे पहले थॉट्स आए थे कमेंट करो जाके, मेरे को पढ़ने हैं। क्योंकि ये वीडियो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नहीं थी, हाँ मैंने किसी को नहीं बताया था मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, कहीं भी मैंने ट्विटर पे ना कहीं कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। तो बताओ पहला थॉट क्या आया था माइंड में इस वीडियो का टाइटल पढ़ के। मैंने कहा ना मेरी लाइफ मूड पर चलती है, एंड आई एम ग्लैड ऐसा ही होता है क्योंकि मेरे को डिफरेंट इमोशंस झेलने का मौका मिलता है टाइम टू टाइम। एनीवेज दिस इज सायोनारा, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और ब्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। मैं चला।